अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत कर देते हैं, फिर प्रशांत जी फिर वापस आपके पास ही आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। तो अरुण जी, मैंने जो ओपनिंग ट्रेड दिया था टाइटन, मुझे लग रहा है यहाँ पे ही एक ऑप्शन के जरिए भी इसको ट्रेड किया जा सकता है। महीने की शुरुआत है, प्रीमियम एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड है, सो एक रिस्क बेस्ड अप्रोच रखेंगे। यहाँ पे जो टाइटन की सितंबर सितंबर महीने की 3600 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 80-82 पे चल रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 60 के नीचे, 58-57 ये स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो करीबन 120, टारगेट 120 पोजिशन ही मुझे लग रहा है ओवरऑल, यानी ये ऑप्शन करीबन 135-140 तक भी जा सकते। बिल्कुल, देखिए 28 तारीख है वैसे, और प्रशांत जी कह रहे हैं महीने की शुरुआत है, ये होता है ट्रेडर का माइंडसेट, क्योंकि वो अगले सीरीज को टारगेट कर रहा है इसके लिए। तो टाइटन के सितंबर की कॉल लेनी है आपको। सचिन, आपका एफएनएस सुपरस्टार। अनुज जी, मुझे लग रहा है एलटीआई माइंडट्री में अभी भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है, 5700 के बाद 1500 पे, 5800 पे प्रेशर था, अभी 5900 के कॉल राइटर्स पे प्रेशर है, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 6040 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 5885 के स्टॉप लॉस के साथ एलटीआई माइंडट्री के फ्यूचर में। ओके, आपका ट्रेड हो गया एलटीआई माइंडट्री। प्रकाश कैपिकर के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार देखने के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? आज जो पसंद है स्टॉक मुझे इस वक्त वो है इंडियन ऑयल, ट्रेड कर रहा है 175, स्टॉप होगा सिर्फ 1 रुपए का, 174, टारगेट 180 के नजर आ सकते हैं। यस, इंडियन ऑयल। ओके, प्रकाश सर का ट्रेड है इंडियन ऑयल, 175.18 पे ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए संजीव होटा जी के पास। संजीव जी, गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग, आज का जो मेरा पिक है थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर की तरफ है, एफएमसीजी से जाइडस वेलनेस। FY24 वो बहुत ही सॉफ्ट ईयर था कंपनी के लिए, लेकिन जो Q1 के नंबर्स आए थे बहुत ही स्ट्रांग है, 20% का रेवेन्यू ग्रोथ था और 17% का वॉल्यूम ग्रोथ था। आने वाले क्वार्टर में बहुत सारे न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं प्रोडक्ट के, और कंपनी मैनेजमेंट का ये मानना है कि 17-18% काइंड ऑफ मार्जिन वो अचीव कर सकते हैं आने वाले साल में। और मुझे लगता है कि FMCG की तरफ अभी थोड़ा सा पोजीशन करना चाहिए पोर्टफोलियो में, और अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 28 टाइम्स FI26 जो कि FMCG कंपनी के लिए रीजनेबल है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट टारगेट रहेगा नेक्स्ट 12 मंथ्स का 3000 रुपीज का, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। ओके, ज़ायरस वेलनेस आपका बाय कॉल है 2251 पे। हमने चार ट्रेड्स का यहाँ पे जिक्र किया, पहला ट्रेड आया था सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी के सुझाने से। रखिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब के करके, प्रशांत जी ने टाइटन की कॉल पिक करी, और प्रशांत जी आज सुबह से ही टाइटन पे मेहरबान है और 85 रुपये पे ट्रेड कर रही है, 120-140 का लक्ष्य है, 58 का स्टॉप लॉस है। दूसरा ट्रेड आया सचिन जी के सुझाने से, आज का FNO सुपरस्टार LTI माइंड्री फ्यूचर्स करीब 6040 के लक्ष्य के लिए 5923 पर ट्रेड कर रहा है, आपको पिक करना है, 58.85 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। उसके बाद ट्रेड आया प्रकाश का बसर का, जिन्होंने IUC को पिक किया 180 के लक्ष्य के लिए, 175 पर ट्रेड करता हुआ। और मिड कैप फंडा संजीव होटा जी ने आज पिक किया, आपकी स्क्रीन पे ज़ायरस वेलनेस, इसको पिक किया है मैं। ये बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।